हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं आयुष्मान कार्ड की। आयुष्मान कार्ड एक सरकार की तरफ से बड़ी अपडेट दी गई है कि आप घर बैठे बनवा सकते हैं। पहले होता क्या था, आयुष्मान कार्ड का सर्वे होता था, प्रधान या ब्लॉक के जो प्रमुख कुछ कर्मचारी होते थे वो जिसका लिख के भेज देते थे उसी का बनकर आता था। और आपको पता है कि आयुष्मान कार्ड जिसके पास है उसका 5 लाख रुपये का मुफ्त में इलाज होगा। तो आप समझ सकते हैं एक गरीब के लिए जिसके घर में पैसे की वजह से किसी की डेथ हो जाती है, किसी की मृत्यु हो जाती है, तो ये बहुत दयनीय स्थिति हो जाता है। इस योजना का अगर लाभ गरीबों को मिल रहा है तो ये वाकई में बहुत खूबसूरत योजना है। तो यहाँ पर देखिए, आपको मैं बताऊँगा लाभ मिले या ना मिले, बट आप अपनी तरफ से अलर्ट रहें, क्योंकि अगर आपके पास हथियार रहेगा तभी आप मार करेंगे। तो यहाँ पर आपके लिए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सरकार की एक अपडेट है कि आप घर बैठे कैसे बनवा सकते हैं, वही आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। तो अगर आप आयुष्मान कार्ड बनवाना चाहते हैं और अपने परिवार के जान बचाना चाहते हैं, फ्री में इलाज कराना चाहते हैं, तो ही वीडियो को देखिएगा। देखिए, यहाँ पर राज ब्यूरो लखनऊ की रिपोर्ट है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभार्थी अब घर बैठे अपना आयुष्मान कार्ड ऑनलाइन बनवा सकते हैं। क्या है प्रक्रिया, क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, वो सारी बातें करेंगे, बस ध्यान से वीडियो को सुनते रहें। यहाँ पर देख सकते हैं कि आयुष्मान भव अभियान के तहत रविवार को शुरू हो रहा है सेवा पखवाड़े के दौरान इसका व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा। प्रदेश में इस योजना के 8.26 करोड़ लाभार्थी हैं और उसमें से केवल 3 करोड़ को ही आयुष्मान कार्ड बने हैं, यानी कि लाभार्थी की जो संख्या है जिनको लाभ देना चाहिए वो लगभग 8.25 करोड़ है, पर 3 करोड़ का आयुष्मान कार्ड बने हैं। ऐसे में बाकी लाभार्थी आयुष्मान कार्ड शिविर के माध्यम से या फिर ऑनलाइन शिविर बोले तो, जैसे अधिकारी जहां पर आएंगे कर्मचारी वहां पर कैंप लगाएंगे, वहां पर जो भी जाएंगे उनका डायरेक्ट बना दिया जाएगा। बट उस तरह से अगर नहीं बन पाया उसके बाद भी यहाँ पर ऑप्शन है, आप देख सकते हैं ऑनलाइन भी बनवा सकते हैं। प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य ने बताया कि आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए आपको वेबसाइट, ये वेबसाइट मैं आपको स्क्रीन पर अभी तुरंत ओपन करके दिखा रहा हूँ, वीडियो के साथ बने रहिए। इस वेबसाइट पर लाभार्थी का विकल्प चुनकर उस पर मोबाइल नंबर डालकर OTP के माध्यम से सत्यापन करना होगा और फिर राज्य का नाम और योजना का नाम, जनपद का नाम चुनना होगा और फैमिली ID का विकल्प आएगा, उसमें राशन कार्ड संख्या भरनी होगी और फिर पात्र परिवार की सूची खुल जाएगी। परिवार के जिस सदस्य का कार्ड बनना है उस सदस्य को वहाँ पर ऑप्शन दिखने लगेंगे। और इस अभियान के तहत रविवार को सेवा पखवाड़ा शुरू किया जाएगा, नरेंद्र मोदी जी के जन्म अवसर पर शुरू हो रहा है सेवा पखवाड़ा और 2 अक्टूबर तक चलेगा। इस अभियान के तहत हर शनिवार को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर आयुष्मान मेला आयोजित होगी, जरूरी जांच और चिकित्सीय परामर्श दिलाया जाएगा, मुफ्त दवाएं भी वितरित की जाएंगी और चुने हुए आधार कार्ड के माध्यम से सत्यापन करके आप ऑनलाइन समिति फार्म खुलेगा और इसमें अनुमति पर क्लिक करके बाद में लाभार्थी संबंधी सूचना फोटो खुल जाएगी, नीचे दी गई अन्य सूचना भी आपका खुल जाएगा और यहाँ पर मोबाइल नंबर के कॉलम में आप में नहीं विकल्प चुनते हुए सूचना भरेंगे, सबमिट पर क्लिक करेंगे, नीचे लाभार्थी की सूचनाओं में 80% तक मिलान हो रहा है और आयुष्मान कार्ड खुल जाएगा। तो इस तरह से कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको वेबसाइट पर भी ले चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ गूगल पर हमने लिखा beneficiary.nha.gov.in, तो ये इस तरह से कुछ पेज ओपन हो चुका है और आपको PMJY ये बेनिफिशरी पोर्टल पहला ऑप्शन आपको ओपन कर लेना है। दोस्तों, इसको जैसे आप ओपन करेंगे कुछ इस तरह से यहाँ पर अलाउ करने के लिए कह रहा है, तो चलिए अलाउ कर देते हैं। यहाँ पर कट करेंगे। अब आयुष्मान कार्ड बनाना हुआ बेहद आसान, कुछ इस तरह से आपको स्क्रीन पर दिखेगा और यहाँ पर देखिए आपको देखने को मिल रहा है कि अपना मोबाइल नंबर और यहाँ पर ये सारी चीज़ें आप सेलेक्ट करके वेरीफाई करें। ठीक है, तो आप यहाँ टाइप योर मोबाइल नंबर आप करिएगा। तो चलिए मैं एक मोबाइल नंबर यहाँ पर क्लिक कर दे रहा हूँ, 8726664, इस तरह से एक मोबाइल नंबर हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया और यहाँ पर सेलेक्ट योर मोड, तो यहाँ पर दे रहा है सेलेक्ट योर मोड, आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना हो तो पहले मैं यहाँ पर देखिए वेरीफाई लिखा है, इस वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या होता है आगे। तो यहाँ पर मैं वेरीफाई पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर एक OTP, देखिए मोबाइल नंबर पर एक OTP आ चुका है, तो उस OTP को मैं यहाँ पर फिल करता हूँ। ये देखिए OTP आ चुका है, मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर कॉपी करने के बाद मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये वेरीफाई होकर यहाँ पर ग्रीन कलर का ये क्लियर हो चुका है। अब इसके बाद यहाँ पर आपके नीचे देखिए कुछ इस तरह से देखने को मिल रहा है नो ऑप्शन, और यहाँ पर आप क्लिक करके देखिए OTP ऑलरेडी हो चुका था, तो इसको हम आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पर इसके बाद लॉगिन करेंगे, लेकिन यहाँ पर ये आपको कैप्चा फिल करना होगा, ये जो कैप्चा दिख रहा है, तो चलिए कैप्चा को फिल। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये ग्रीन कलर का लॉगिन हो चुका है, इस लॉगिन वाले बटन पर आपको क्लिक करना होगा। इस पर जैसे आप क्लिक करते हैं कुछ इस तरह से ये आपके सामने देखिए ओपन हो चुका है।
अब यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। यहाँ पर मैं अपना एक जो भी मेरा स्टेट है उत्तर प्रदेश, ये पूरे भारत के लिए वेबसाइट है, तो यहाँ पर देखिए ये उत्तराखंड है और ये ऊपर उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश। और इसके बाद यहाँ पर उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करने के बाद ये देखिए स्कीम के तहत आते हैं। स्कीम के ऑप्शन में आपको क्या फिल करना है ये देखिए क्लिक करना है इस पर साइड में, और यहाँ पर दीनदयाल लिख देना है। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट में आना है, और डिस्ट्रिक्ट आपका जो भी होगा यहाँ पर आजमगढ़, इलाहाबाद, अम्बेडकर नगर, अमेठी, अरोहा, अरोइया, जो भी होगा दोस्तों आप यहाँ पर फिल करिएगा। और इसके बाद यहाँ पर देखिए सर्च बाई के ऑप्शन पर आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा फैमिली आईडी, तो यहाँ फैमिली आईडी में आप जो है फैमिली आईडी में अपना राशन कार्ड संख्या आपको फिल करना है। तो चलिए मैं यहाँ पर राशन कार्ड संख्या फिल करता हूँ।